जा यार मैं आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट है कि भाई जो मेरे भाई पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह का या किसी भी भाई यार आउट ऑफ कंट्री का सफर कर रहे हैं या जो वो मेरे भाई यहाँ से वहाँ पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, तो आप भाइयों के लिए एक भाई वीडियो है। वीडियो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ना एक किस्सा सुना दूँ। किस्सा क्या आपको यहाँ मैं सॉरी साइट पर वो वीडियो भी चलाकर दिखाता जाऊँगा और इसके मुतालिक भी बता दूंगा हुआ क्या है। पाकिस्तान से हम जब सफ़र करते हैं दुबई वगैरह का या सऊदी अरेबिया का सफ़र करते हैं, तो हमारे भाई पासपोर्ट के ऊपर एक पेपर चिपका दिया जाता है या हमें भाई वो टिकट के साथ या हम जहाँ करवाने जाते हैं मेडिकल रिपोर्ट अपनी, वहाँ पर ही हमें स्टिकर दे दिया जाता है। बाकायदा से बता दिया जाता है कि सऊदी अरेबिया में मनशियात की स्मगलिंग के अगर आप पकड़े गए मनशिया स्मगलिंग करते हुए, तो भाई आपको सीधी सजाए मौत है सऊदी अरेबिया के कवानीन के मुताबिक। तो अच्छा, मुझको एक भाई ने कमेंट भी किया था यहाँ पर, अब वो कमेंट भी आपको दिखा रहा हूँ। उसने बोला था कि मैं सऊदी अरेबिया में शराब पीकर पकड़ा गया था, उसके बाद मुझे गालबन एक माह लिखा हुआ है कि एक माह बाद उन लोगों ने जेल में रखा, उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया, यानी कि सऊदी अरेबिया से आउट ऑफ कंट्री कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, ताहियात के लिए बैन कर दिया गया था। तो यहाँ पर उसने भाई सिर्फ पी थी तो उसके साथ ये मामला हुआ है। मैं फिर भी गनीमत समझता हूँ कि इस बंदे को एक माह बाद ही छोड़ दिया गया, वरना ऐसे भाई जो लोग होते हैं वो तो यहाँ पर सालों साल पड़े रहते हैं। तो ये जो वीडियो भी आप देख रखे हैं भाई, इसमें देख रहे हैं आईफोन वगैरह के बॉक्स हैं जी, उनको फाड़ा जा रखा है, उनके अंदर से कुकिंग बरामद हो रही है, देख सकते हैं जी। और इस चीज को लेकर ये जिस भी बंदे के पास से बरामद हुई है इसको सजाए मौत है सीधी। होगा क्या, आपका कोई दोस्त आपको सामान दे रखा है, आपका कोई रिश्तेदार आपको सामान दे रखा है, आपका कोई जानने वाला आपको सामान दे रखा है कि भाई ये मेरी चीजें ले जा, वहां पर मेरे ये दोस्त हैं, ये फलाएं उनको दे। तो भाई पहले नंबर पर तो लेनी ही नहीं चाहिए, सीधी बात है जी, सीधी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ले रहे हैं तो उसको अच्छे से खुद से चेक करें वहां पर ही, बिल्कुल चाहे कोई डब्बा बंद ही क्यों ना चीज हो, उसे चेक करें उसके बाद ही लेकर आए या यहां से लेकर जाए, वरना भाई आपको पता है।